नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रेनू यादव। एमपी वक्फ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, सराहनीय कदम उठाने जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम परिवारों के जो बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, अब बोर्ड उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ बोर्ड की कमाई का 50% उन गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में लगाया जाएगा। जो मुस्लिम परिवार गरीब हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत मेधावी हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा वक्फ बोर्ड उठाने जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं और अभी तक मात्र कमेटियां आय का 7% ही खर्च कर रही थी, 93% कमेटियों के पास ही रहता था, लेकिन अब वक्फ ने इस आय का 50% हिस्सा उन गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने का फैसला लिया है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन आगे बढ़े नहीं पाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कई बार पढ़ाई छोड़नी भी पड़ जाती है। सर, किस तरह का ये आदेश है और कितना फायदा बच्चों को यहाँ होगा? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जिन दानदाताओं ने अपनी संपत्तियों को दान किया है, उन्होंने दान ही इसलिए किया है कि ये संपत्ति से आने वाली जो आय है, ये गरीब जरूरतमंद लोगों के काम आए, शिक्षा के काम आए, और कहीं ना कहीं हम उसके मूल उद्देश्य से भटक रहे थे। ये जो पैसा है, ये पैसा आने के बजाय चंद जो असामाजिक तत्व है, जो समाज विरोधी तत्व है या कहें गुंडा तत्व है, ये पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। जब से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, पुनः लगभग 1 वर्ष हुआ है, लगातार हम इस प्रयास में हैं कि कैसे वैधानिक स्रोतों से हमारी आय बढ़े, हम आत्मनिर्भर हों, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो हमारी आय है उसका एक निर्धारित पैसा जो काबिल बेटे बेटियां हैं, जो योग्य बेटे बेटियां हैं, जो काबिल होने के बावजूद भी उनको आर्थिक अभाव में अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देना पड़ता है या कहें कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसे ड्रॉप आउट कैसे कम हो, मेघावी बेटे बेटियां कैसे पढ़े, वो राष्ट्र निर्माण में कैसे भागीदारी बने, इसके लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि हम एक योजना बनाई है और उसका नाम दिया है कि पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनेंगे। तो उसी के तहत हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम जो है वो वाकिफ की मंशा के हिसाब से हम पूरा कर पाएंगे। सर, जो मेधावी बच्चे हैं उनका चयन कैसे होगा, जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, किस तरीके से रहेगा? देखिए, क्या है कि जो वक्फ की इनकम है उसकी व्यवस्था इस प्रकार से है, जो हमारे पास आज वर्तमान में एक्ट है उसके अनुसार कि 93% पैसा जो हम प्रबंध कमेटी बनाते हैं स्थानीय स्तर पर, वो अपने अनुसार खर्च करती है, लेकिन उसका हिसाब किताब हमको देती है। 7% पैसा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास आता है, 1% पैसा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास 7 में से जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा रेशियो है कि 93% प्रबंध कमेटी, 6% मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड और 1% सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब हमने ये कहा है कि जो 93% पैसा है उसमें से आपके जो जरूरी खर्च हैं उसको काट कर जो पैसा बचता है उसका 50% आपको मेघावी बेटे बेटियों पर खर्च करना है। तो ऐसी वहां की वक्फ जो इस प्रकार की संपन्नता की स्थिति में आती है, उनके अध्यक्ष उस समिति के सदस्य होंगे, वहां की जिला कमेटी का जो अध्यक्ष है वो उस समिति के सदस्य होंगे। ऐसे हर जिले में 5 से 10 लोगों की एक समिति है, समिति रहेगी और वो समिति बाकायदा पूरी पारदर्शिता के साथ समाचार पत्रों में, जो वहां के लोकल समाचार पत्र है उसमें विज्ञप्ति इश्तिहार जारी करेगी। और ऐसे मेघावी बेटे बेटियां, क्योंकि पैसा कम है और लेकिन हमको एक पवित्र भाव के साथ शुरुआत करनी है कि ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा अन्य जगह खर्च ना होकर सही जगह पर खर्च हो। तो पवित्र भाव के साथ जब नेक नियत के साथ हम काम करते तो कहीं से शुरुआत तो करना पड़ती है। तो उस शुरुआत को करने के लिए हमने कहा है कि एक बार इस बोर्ड ने तय किया है कि 65% से ऊपर अंक लाने वाले बेटे बेटियां जो 10वीं में 65% से ऊपर अंक लाते हैं और किसी कारण से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते,
उन बेटों बेटियों के आवेदन बुलवाकर इश्तिहार के माध्यम से और उनको मेरिट के आधार पर चुनकर और वो समिति वहां जाकर भौतिक सत्यापन करेगी, लिख कर देगी कि हाँ मैंने भौतिक सत्यापन किया है और ये जो परिवार है ये परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, ये पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में है, तो उनकी हम लोग एक निर्धारित राशि के रूप में मदद उनकी एजुकेशन संस्था को करेंगे। अब ये भी जानिए कि आखिरकार ये पूरा जो प्लान होगा ये मूर्त रूप कैसे लेगा, यानी कि इसकी जो पूरी संरचना होगी, पूरा रोड मैप होगा वो कैसे होगा, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने में मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दरअसल इसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है हर जिले में, और वो कमेटी ही गरीब बच्चों की पहचान करेगी, गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगी, बच्चों का चयन करके प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान किया जाएगा, 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के लिए, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद पर दी जाएगी। साथ ही जो अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के अनवर, माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो दानदाताओं ने जिस उद्देश्य के साथ संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दान की है उन संपत्तियों का अभी तक सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब तमाम उन मुस्लिम परिवारों के बच्चों को मदद मिल पाएगी जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास खाने पीने की, आवास की दिक्कत है, उनको भी मदद की जाएगी। यानी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जो गरीब मुस्लिम परिवार हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम वक्फ बोर्ड करेगा। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, तकरीबन 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं जिससे बहुत अच्छी आय होती है, लेकिन इस आय का अभी तक मात्र 7% ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि कमाई का 50% इन गरीब मुस्लिम परिवारों, उनके बच्चों जो कि 60-65% अंक लेकर आते हैं, उनकी पढ़ाई में खर्च किया जाएगा। प्लान आपको हमने बता दिया है, कमेटी बनेगी और ये कमेटी गरीब बच्चों का चयन करेगी और उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान किया जाएगा और 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद पर भी दी जाएगी। तो काफी सराहनीय कदम है, उन तमाम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी जिन बच्चों ने सपना देखा है हाई एजुकेशन का लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि आर्थिक समस्या आ जाती है। पारिवारिक आर्थिक समस्या एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, लेकिन अब मुस्लिम गरीब परिवारों के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और ये बहुत ही सराहनीय कदम MP वक्फ बोर्ड ने उठाया है।